हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं और अब चुनावी जो दौड़ धूप है वो कहीं ना कहीं थकान जो है दूर है वो चाय ही करेगी। और चाय पे ही आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर जी के साथ। जानेंगे दरअसल चुनाव घोषित होने के बाद अब क्या स्थिति है। नमस्कार सर। जी सरकार, क्या चल रहा है अभी? मतलब तो चुनाव घोषित हो गए हैं और तो पूरी जी जान से मेहनत करके पार्टी को 75+ की और ले जाने की कोशिश करी, दरअसल चल क्या रहा है भारतीय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संगठनात्मक काम था वो पहले से ही चुस्त दुरुस्त कर रखा है। जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जहाँ नीचे से हमारा संगठन शुरू होता है, जहाँ दूसरी पार्टी ऊपर से शुरू होता है, हमारा नीचे शुरू होता है। हमारे यहाँ बूथ समिति है, बूथ समिति के बाद हमारा मंडल का अध्यक्ष है, मंडल के अध्यक्ष के बाद हमारा जिले का अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये गठन तो हम पहले ही पूर्ण करते हैं। उसके बाद अब की बार है हमारे यहाँ एक और उसमें वो किया पन्ना प्रमुख, तो हमने हर एक पन्ने पे एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी निश्चित की है और वो सारा काम हमने लोकसभा से पहले कर लिया था और अभी दोबारा से उसको रिवाइज भी हमने कर लिया। और अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा का एक दौरा किया और हर विधानसभा में लगभग 6-7-8 जगह पर उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, जिसमें जहाँ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया वहाँ आम जनता ने भी बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। और उसको पूरी यात्रा को करने के बाद उसके बाद पूरे प्रदेश का एक बूथ का जो पन्ना प्रमुख था उसका एक सम्मेलन हमने रोहतक में रखा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और बहुत बड़ा एक सम्मेलन जो आज तक की सबसे बड़ा बड़ी रैली के तौर पे आप कह सकते हैं वो सम्मेलन हमने किया है। तो ये सारा काम हमने व्यवस्थित कर लिया और रोजाना आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर हल्के में बीजेपी के सभी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगे हुए हैं। आप मेरा भी रोज देख रहे हैं, अभी मैं आपके साथ से जाऊंगा तो मेरे 500 जगह प्रोग्राम है जहां लोगों की ज्वाइनिंग है। बड़ी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 46 सीटों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, फिर 75 की डिमांड करना क्या आवश्यक है सर? क्योंकि आपको तो सरकार बनाने के लिए मैक्सिमम 40 सीटें चाहिए। पिछली बार आपकी 47 आई थी, पूर्ण बहुमत था, कुछ निर्दलीय विधायकों ने समर्थन भी दिया था, फिर आप 75 लेकर के उसकी आवश्यकता क्या है सर? देखिए, कोई भी पार्टी है तो वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और वो अपने लोगों के सामने एक टारगेट रखती है, कोई टारगेट हमने अचीव करना है। बहुत लंबा टाइम है कि हरियाणा में हमारी सरकार नहीं थी, हम बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन अब लोगों ने हमारी सरकार बनाई और इन 5 साल में हमने जो काम करके दिखाए जनता के सामने, तो उसके बाद लोगों को लगा कि यही लोग सही है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग राजनीति कर रहे थे उनको कहीं की चौधर चाहिए थी, कोई कहता है हम रोहतक की चौधर चाहिए, हम रोहतक में चौधर लेके आएंगे, किसी ने कहा हम भिवानी की चौधर चाहिए, हमने भिवानी में चौधर लेके आएंगे, कोई कहता था हम सिरसा में लेके आएंगे, कोई कहता था हम हिसार में लेके आएंगे, कोई कहता था हम बांगर में लेके आएंगे, लेकिन हमने कहा कि हमें चौधर नहीं चाहिए, सेवा करनी है। सेवा करने के लिए ही हम इस काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपने 3 मुकदमे दर्ज कराए, आपने कहा कि जब उन्होंने कहा सीबीआई जांच नहीं, आपने बिना देर के सीबीआई की जांच करा दी और स्थिति सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, आज वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बदले की भावना से काम कर रही है, आपको लगता है कि बदले की भावना है? नहीं, देखिए, सीबीआई की डिमांड तो उनकी अपनी थी कि मेरी जांच कराओ, वो तो अपने आप ही कह रहे थे बार बार मेरी जांच कराओ, जांच कराओ, अब जांच कराई तो अब कह रहे जांच कराई थी हमने। अब अगर कुछ गलत काम किया, देखिए इसमें भी अभी तक हमने कोई ऐसा नहीं किया, वो जांच चल रही, अगर उन्होंने गलती की तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे और अगर गलती नहीं की तो कुछ भी उन्हें ओढ़े वाला नहीं है। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस भाई बहन के साथ चुनावी दंगल में कूद पड़ी है, उनको लगता है कि भाई बहन की जोड़ी कुछ कमाल दिखाएगी। स्थिति क्या होगी जब रिजल्ट आएंगे सबके सामने स्पष्ट होगा, लेकिन इस बार का चुनाव हरियाणा में बड़ा दिलचस्प बना हुआ है।